उम्मीद करूँ सब भल छा मैले भल छू और मैं तारा नेगी अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों जो भाई बहन मेरे चैनल में नए हैं उन्हें बता दूँ, मैं तारा नेगी उत्तराखंड जिला नैनीताल कॉर्बेट रामनगर से हूँ दोस्तों। और आज मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, टाइम देखती हूँ शाम के 6:30 बजे से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि मुझे दिन भर थोड़ा टाइम भी नहीं लगा था, गर्मी भी होती और आँखों में भी थोड़ा पेन है। और दोस्तों आज हम मेरी मौसी यहाँ पे आई हुई है, सो हम बैठे हुए हैं यहाँ पे चिल मार रहे हैं। आइए आपको दिखाती हूँ, ये देखिए गाइस, ये मेरी मौसी मम्मी भाई ये लोग बैठे हुए हैं, इधर पापा हैं और आज हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। खूब मस्ती हमने मौसी के साथ करी, घूम फिर के भी आए, सो वीडियो हम बना नहीं पाए क्योंकि बहुत गर्मी होती दोस्तों। तो आज हम बैठे हैं, आइए चलते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ अपनी मौसी लोगों को। और ये लोग जो बातें कर रहे हैं थोड़ा गप्पे शप्पे मार रहे हैं, आइए दिखाती हूँ, थोड़ा बनाती हूँ आपकी वीडियोज़। आइए दोस्तों चलते हैं, पढ़ाई करो अपनी। आज मौसी डांट लगा रही है इसके कान में, मौसी इसके कान पकड़ो, कान इसके बहुत बिगड़ गया ये। हाँ भेज रखा ठीक है, क्योंकि 10 का बोर्ड का है इस बार। और क्या बुलेट मिलेगी आपको ऐसे मिल जाएगी। मौसी ने बच नहीं पाएगा आज बुआ की डांट से, आपका भी नाम होगा और हमारा भी नाम होगा बाद में। तो सही बात है, अभी निकालो किताब ठीक है, लाओ किताब। मेरी मम्मी सुनने ऐसा ना, मौसी तुझसे सीरियसली बात कर रही, जरा हंस मत। 85% नंबर आने चाहिए इसलिए आपको बुलेट मिलेगी, ये पास हो जाए बहुत है इसके लिए। पढ़ाई करनी है इसके, बिना पहिए वाली साइकिल मिलेगी। पापा बोले बिना पहिए वाली साइकिल मिलेगी, ध्यान देना है ठीक है। और आप कैमरे की नजर रखो, आज पड़ी टंडू को खतरनाक मौसी की डांट। हाँ चल निकल यहाँ से, कहना मानते हैं बाबू, कहना मानते जा। हाँ पढ़ाई कर ले बेटा, पढ़ाई करो। है तन्नू आ गया ये किताब लेके। अच्छा क्या पढ़ा है ये, मैथ है साइंस है? अच्छा साइंस। पढ़ाई करो, अच्छा बच्चा है कहना मानता है। ये उल्लू है ये, और इसका डायलॉग सुनोगे आप मौसी, ये क्या बोलता है, ये क्या बोलता है, फैशन दिखाओ लड़की पटाओ। अच्छा, देख रहे अभी से। और दांत दिखा, अपने जरा दांत दिखा, देखो दांत भी टूटे नहीं सही से इसके दूध के। और देखो बातें देखो इसकी, दिखाओ लड़की पटाओ, अभी 15 साल पूरे हुए नहीं है। हाँ कान खींच दे मम्मी इसका, कान खींच दे। 17 साल हो गए तो 10 पास करो अपना। ऐसे ऐसे मुंडी झनमा रहे इसकी, ऐसे कैसे आ दोनों बुआ के, आ दोनों बुआ के पीछे पिस गया लौंडा। याद करो जो मैडम जी ने दे रखा है। इतने महंगे, चलो मेरा मन नहीं कर रहा, अभी स्कूल में डाल रखा मतलब पापा मम्मी ने, अभी मेरा इंग्लिश मीडियम में लौंडा, इंग्लिश मीडियम आती है सुबह लेने के लिए, बस ही चलता है, मेरा मन नहीं कर रहा पढ़ने। क्या करने का मन कर रहा फिर जरा इधर बता। हाँ वीडियो बनाऊंगी तेरी, बता तो जरा। लगाना पड़ता है। हाँ किताब खोलो, खोल दो। आज तो गया बेटा, आज तो तेरी वाट लग गई अच्छे से। पढ़ाई करो, अभी याद करके सुनाना मुझे ठीक है। मन क्या होता है ये? मन मन नहीं करते क्या? मन चंचल मन बावरा, सुबह पैसे चाहिए शाम को पैसे चाहिए, सही से सही तरीके से बैठो, सही तरीके ऐसे नहीं पढ़ते जब कमजोर हो जाएगा, ऐसे पढ़ना जिस तरीके से पढ़ते हैं ठीक है ना। हाँ बेटा आज तो तू गया, आज मेरे को पता तनु बहुत खुशी हो रही है, अंदर ही अंदर मुझे बहुत खुशी हो रही है। 85% नंबर लेकर आया अच्छा, फिर अब पिटाओ गया, अब गया अब गया, आज तो तनु की खैर नहीं है भाई। याद करो ठीक है। मेरी मम्मी तो भोली भाली है ना, तेरी बातों में आ जाती है मेरी मम्मी भोली भाली सी ठीक है ना, ये शिकायत नहीं आनी चाहिए। तनु ए तनु मार खा के कैसा लग रहा है तुझे बेटा? तनु कह रहा सही लग रहा है, पता मुझे इतनी अंदर से हंसी अपने आप, अपनी मजाक अपने आप बनवा रहे हो आप। पता है तनु भाई देख इधर, पता मुझे इतनी खुशी हो रही है तो ऐसे मार खाता हुआ देख के दिल मतलब ऐसे शांति सी लग रही है। आहा हाय सुकून, आहा हा कल स्कूल जाना आपने? हां तो याद करके सुनाना। अब देख कुछ दिनों बाद नानी भी आएगी ना, मैं नानी से भी तेरी ऐसी डांट लगवाऊंगी, फिर देख नानी तो पहाड़ी में कैसे कैसे गाली देती है ठीक है। जब कोई चीज की आपके लिए कमी नहीं करती, पापा मम्मी ने सुबह बस आती इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाल रखा है, ले जाती है छोड़ जाती है, खाने पीने की कोई कमी नहीं ठीक है, तो पढ़ाई में ध्यान दो आप
बोल रखा पापा ने, मेरा छोटा भाई है उसका बेटा है ये, काम किया बोल रखा है हाई स्कूल में, मतलब पेपर आना है, लड़की पटाओ फिर फिटेगा, आज इसे कसम खा रही, आज इसके मुंह से खून निकाल देगी उसके। चटेगी 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 चटेगी, ये नहीं बोलना ठीक है, अच्छे बच्चे नहीं बोलते, ये गलत बात होती बेटा। तो मुंह तू क्यों कर दो, मजा आ रहा है, हमारे दर्शक भी एंजॉय कर रहे तेरी पिटाई को, कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है ना, मजा आ रहा है, मैं बदतमीज हुआ थोड़ा बहुत बेसरा मजे ले रहे हैं आज तो सब। गया फिर गया, ढीड हो गया मौसी, डंडा लाओ इसके लिए बदतमीज, हाँ बहुत मुझल रहा है इसका, लाओ डंडा लाओ इसके लिए, कपाओ बजाओ इसका, लाओ जा डंडा लाओ, लेने गए हैं अभी डंडा, लठ लठ दिखाओ, पढ़ाई कराओ, ये नियम चलेगा अब बेटे, आज देखो छुटांग भर के है नहीं, मुंह धोड़ तमीज छूना इनर, चली चली हीरोइनर, देखो जरा आज 14 साल निकाल रही मैं, हां 15 आप लावर मुए यक ना यक, ऐसे झाकरी पकड़ में चुंदियो चुन चुंदियो यक झाकरी, इधर दिखा जा सकल, चलियो ये कुकुर छु, ये कुकुर पावर डंडा लेके आ रहे थे, ये आ गया तन्नू के लिए लट, आज तन्नू की खैर नहीं है आज, बोल जरा मुंह में मारना, आज तो गया तन्नू बेटा, गया तू आज तो गया, आज तो तू गया, अब तन्नू हेल्प मांग रहा है सबसे कि मेरी मदद करो, ठीक है रोटी तब मिलेगी, खाना तब मिलेगी, पानी पी थे आज ये बहुत ज्यादा कॉमेडी हो गई है, आज की बिचारी की बहुत गाल रहे हैं, और ये हमारा प्यारा सा एक फ्रैंक था, ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे खूब मौज मस्ती हम लोगों ने करी अपनी मौसी के आने पे, तन्नू के साथ ये एक बहुत बड़ा फ्रैंक था जो हमने इसको बाद में बता दिया, ये कह रहा खाली मुझे पीट दिया, फिर तन्नू कैसा लगा तुझे फ्रैंक, सही लगा, मजा आया, गाल दिखा तुझे लाल तो नहीं हो गए, कहाँ हो गए लाल, तो दोस्तों आई होप आपने एंजॉय किया होगा, चलते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।